Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Frontier Institute of Medical Sciences. Today I will discuss about the Coombe test. How to perform the Coombe test? कैसे हम इस Coombe test को perform करेंगे? Coombe test basically होता क्या है? सबसे पहले Coombe test is also known as the anti-globin test. Anti-globin test इसका दूसरा नाम है और ये सबसे पहले जो discovered किया गया है by the Coombe in 1945 के अंदर 1945 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया है और ये हम क्यों करते हैं और ये मॉडर्न सीरोलॉजी का प्रोसीजर है जो मॉडर्न हमारे पास आ जाता है ब्लड बैंकिंग के अंदर सीरोलॉजी का प्रोसीजर है मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसको हम करते हैं क्यों इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्टिंग नॉन हमारे पास एग्लुटिनेटिंग कोटिंग एंटीबॉडीज होती है तो उसको हम डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज क्यों करते हैं हम इसको बेसिकली इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो एंटीबॉडी हम देखते हैं आरबीसीज के साथ इसको सेंसिटाइज करते हैं हम देखते हैं कि आया हमारी एंटीबॉडीज के ऊपर अटैक करती हैं तो इसमें होता ही है कि अगर इस टेस्ट के अंदर हमारे जो आरबीसीज होंगे आरबीसीज के ऊपर अटैक करेंगी कौन एंटीबॉडी हमारे बॉडी एंटीबॉडीज जो होंगी वो अटैक करेंगी हमारे आरबीसीज के ऊपर उसको अननोन समझ के उसको फॉरेन पार्टिकल समझ के उसके ऊपर अटैक करती हैं तो हमने ये चीज हमने चेक करनी है हम इसको चेक करती हैं क्या है वो इसको कैसे सेंसिटाइज होगी कि नहीं होगी इसमें इसके लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं तो नंबर वन दैट इज द डायरेक्ट Coombe टेस्ट और दूसरा आ जाता है इनडायरेक्ट Coombe टेस्ट हम आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज द डायरेक्ट Coombe टेस्ट कि हम कैसे डायरेक्ट Coombe टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका प्रिंसिपल है तो Coombe टेस्ट वैसे जो है डिटेक्शन ऑफ द इन विट्रो सेंसिटाइजेशन ऑफ द रेड सेल हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज होते हैं RBCs की सेंसिटेशन को चेक करने के लिए हमने ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं कि उसमें जो हम एंटीबॉडी के जरिए हम इसको उसकी सेंसिटेशन ऑफ द आरबीसी चेक करेंगे तो उसके लिए जो हमारे पास Coombe टेस्ट का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल इसके लिए कहते हैं कि हमने हमारे जो इसका Coombe टेस्ट का बेसिकली एंटी सीरा बना हुआ है जिसके साथ जिसमें क्या होती है एंटीबॉडीज होती है वो एंटीबॉडी के थ्रू हम क्या करते हैं रेड सेल्स को सेंसिटाइजेशन रेड सेल्स की सेंसिटाइजेशन चेक करते हैं तो रेड सेल्स की सेंसिटाइजेशन चेक करते हैं और हम ये देखते हैं कि आया एग्लुटिनेशन कर रहा है कि नहीं जब उसके साथ एंटीबॉडी और रेड सेल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो एग्लुटिनेशन काज करेंगे तो रेड सेल्स इसमें यूज किए जाते हैं एज ए इंडिकेटर कि आया वो उसके साथ सेंसिटाइज होगी नहीं होगी एंटीबॉडी तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसीजर हमारा डायरेक्ट टेस्ट का जो प्रोसीजर है उसके लिए हमने सबसे पहले 5% सस्पेंशन बनानी है सबसे पहले 5% हमने रेड सेल्स की सस्पेंशन बनाएंगे तो 5% रेड सेल सस्पेंशन बनाने का तरीका ये है कि हमने क्या करने हैं 1 ड्रॉप हमने ले लिया इसका ब्लड का और 19 ड्रॉप हमने इसके नर्वस नर्व के ले लिए उसके साथ हमने सस्पेंशन बनानी है इसकी जब सस्पेंशन बनाने से पहले हमने क्या करना है सबसे पहले हमने इसको वॉश करना है आरबीसीज को तो आरबीसीज को वॉश करने का यह है 3 से 4 टाइम हमें से 4 दफा हमने इसको वॉश करना है विद नॉर्मल स्नान सबसे पहले हमने ट्यूब में आरबीसी ब्लड दिया पेशेंट का ब्लड दिया उसके जिसका हमने चेक करना है Coombe टेस्ट करना है उसको ब्लड लेने के बाद उसके अंदर हम उसको वॉश करेंगे 3 to 4 टाइम मतलब जी 3 से 4 दफा हमने वॉश करने हैं वॉश करने के बाद हमें 5% सस्पेंशन बनानी है 5% सस्पेंशन बनाने का तरीका यह है कि हमने 1 ड्रॉप हम लेंगे उसका ब्लड लेंगे और 19 ड्रॉप उसके अंदर नॉर्मल स्नान यूज किया जाएगा तो ये 5% सस्पेंशन बन जाएगी उसके बाद हमने टेस्ट को परफॉर्म कर कैसे करते हैं हमने 2 ड्रॉप ऑफ द रेड सेल सस्पेंशन जो हमारे पास 5% सस्पेंशन बनी हुई होगी उसको हमने लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 2 ड्रॉप ऑफ द रेड सेल सस्पेंशन ली उसके बाद दूसरी जो हमने चीज लेनी है वो है इसका रीजन जो हमारे पास Coombe टेस्ट का रीजन बना हुआ आता है एंटी सीरा जो उसका जो सीरा बना हुआ आता है उसको हमने 2 ड्रॉप उसी ब्लड रेड सेल सस्पेंशन के अंदर ऐड कर लेना है जब रेड सेल सस्पेंशन के अंदर ऐड करेंगे ऐड करने के बाद उसको मिक्स करेंगे सही तरह मिक्स करने के बाद हमने उसको सेंट्रीफ्यूज करना है सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर उसको क्या करेंगे आपस में उसको देखेंगे रिएक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले सेंट्रीफ्यूज करेंगे फॉर दी 1 मिनट के लिए हमने उसको सेंट्रीफ्यूज किया जो हमने लिया है क्या क्या चीज ली हुई है इसके ट्यूब के अंदर एक तो रेड सेल सस्पेंशन लिया वो और दूसरा हमने जो लिया है सीरा लिया है जो उसका बना हुआ आया सीरा है हमारे पास तो उसको हमने 2 ड्रॉप लेकर उसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूज किया 3000 RPM के ऊपर फॉर 1 मिनट के लिए उसके बाद हमने इसके अंदर चेक क्या करना है एग्लुटिनेशन चेक करेंगे ऑब्जर्व करनी है हमने इसके अंदर एग्लुटिनेशन अगर इसके अंदर एग्लुटिनेशन आती है तो इसका मतलब है कि
कूम टेस्ट जो है ये पॉजिटिव है तो एग्लूटिनेशन चेक करनी पड़ती है। या पहले तो हम उसमें वैसे विजिबली देखेंगे, अगर उसके अंदर हमें सही क्लियर आ रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमने उसको माइक्रोस्कोपिकली भी चेक करना है उस एग्लूटिनेशन को। तो माइक्रोस्कोपिकली चेक करने के लिए हमने क्या करना है, वन ड्रॉप माउस ट्यूब से उठा के हमने स्लाइड पे लिया, स्लाइड पे जरा क्रॉस में थोड़ा सा लेती है इधर पे, तो उसमें लेने के बाद हमने क्या करना है उसको चेक करना है अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखेंगे तो उसमें अगर हमें एग्लूटिनेशन नजर आई तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कूम टेस्ट है डायरेक्ट कूम टेस्ट वो पॉजिटिव है। तो कूम टेस्ट जो जब पॉजिटिव आएगा, तो कूम टेस्ट जब पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रेड सेल हैव बीन सेंसिटाइज इन द विवो, हमारी बॉडी के अंदर जो रेड सेल्स हैं वो एंटीबॉडी से क्या हुए, सेंसिटाइज हुए, जो हमने एंटीबॉडी एंटर की थी उसके अंदर तो उसके वजह से वो सेंसिटाइज हुए तो वो पॉजिटिव है। अगर सेंसिटाइजेशन नहीं होती तो वो जो हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट है वो किसको शो करेगा, लैक ऑफ द विवो सेंसिटाइजेशन। तो आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सेंसिटाइज नहीं होंगे उन एंटीबॉडीज के खिलाफ, तो वो सेंसिटाइज नहीं होंगे तो उसको हम नेगेटिव रिजल्ट देंगे, और अगर सेंसिटाइज हुए तो हम उसको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, तो सर इसका रिजल्ट शो किया जाता है। ये हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट कूम टेस्ट। थैंक यू सो मच।